नमस्कार, मैं संजय बेड़िया गिरगांवकर। आप सभी पत्रकार बंधु मेरे बेड़िया फिल्म स्टूडियो में आज आए, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। मेरा यह जो फिल्म स्टूडियो है, यह जोगेश्वरी एसवी रोड पर 24 कैरेट सिनेमा के एकदम सामने, मगर मैं ऐसे कहूँ कि फिल्मों का जो हब है हमारा, फिल्म जो फिल्मी मार्केट है उसके लग कर इतना बड़ा स्टूडियो हमने बनाया है। हमारे पास में टोटल कुल मिलाकर 2 फ्लोर्स हैं। एक फ्लोर बड़ा फ्लोर है जिसके अंदर आप सेट लगा सकते हैं, टॉक शो कर सकते हैं। अभी अभी राखी सावंत का सारे गमा का गाना दिल में एंट्री मेरी यहीं शूट हुई है, और आज ही हमने एक छोटे फ्लोर का जिसमें आप क्रोमा लगा सकते हैं, जिसमें आप फोटो शूट कर सकते हैं, ऐसे एक छोटा कुल मिलाकर 2 फ्लोर्स हमने बनाए हैं। हमारी खासियत यह है कि इस एरिया में स्टूडियोज तो आपको बहुत मिल जाएंगे पर आपको हाइट नहीं मिलेगी। क्या एरिया है और हाइट क्या है इसका? नीचे के फ्लोर की मैं अगर आपको हाइट कहूँ तो 35 फुट की हाइट है, और ये 30x50 का फ्लोर थोड़ा उससे बड़ा है, पर हम छोटा बताते हैं कि सेट लगाने वालों को तकलीफ ना हो। और ऊपर का जो हमारा फ्लोर है वो 25x15 का है और 15 फुट हाइट है इसकी। तो और इसमें खासियत ऐसी है कि मेरे पास में पार्किंग की व्यवस्था है। आप चले जाते हैं स्टूडियोज़ में तो पार्किंग नहीं मिलती, वैनिटी वैन की सुविधाएं हैं, इसके सब अलग अलग चार्जेस हैं। हमने एक VIP रूम बनाया है, अगर किसी एक्टर को बैठने के लिए वैनिटी वैन लाने की जद्दोजहद न करनी हो तो मेरे पास में VIP रूम है उसको बैठने के लिए। क्या मेकअप रूम इसमें है? हाँ, इसमें हमने एक तो बहुत बड़ा ग्रीन रूम बनाया है जो अभी अभी संजय जी आपने विजिट भी किया, आबिद भाई आपने विजिट किया, एक अभी पूरा रिनोवेट किया है, और एक ग्रीन रूम में जहाँ हम बैठे हुए हैं, मैं मित्र से कहूँगा कि थोड़ा सा ये फुटेज जिनको भी दिखा दें, तो एक ग्रीन रूम में तो हम बैठे हुए हैं। और कुल मिलाकर सारी सुविधाओं के साथ हम जब कोई फिल्म की शूट होती है तो हम प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को, DOP को यह नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ शूट कर रहे हैं, हम उनको हमारा स्टूडियो हैंडओवर कर देते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आपका स्टूडियो है, आप अपने तरफ से इसको इस्तेमाल करिए। हम उनको कंफर्ट लेवल देने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ शूट के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत है? मेरे पास में BMC की जितनी परमिशन हैं सारी परमिशन मेरे पास में हैं। इसके अलावा कोई इंडोर शूट के लिए कोई शूट की परमिशन नहीं होती, अगर आप आउटडोर जाते हैं तो उसके लिए परमिशन ली जाती है। और कितना बजे कितना बजे आपका स्टूडियो खुला रहता है? मेरा स्टूडियो 24/7 हमेशा खुला रहता है, वो जब कोई आए, जब आकर यहाँ शूट करना चाहे करे, पर एसोसिएशन का जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें, कोविड के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, सरकार के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें और आप शूट करें, हमें कोई एतराज नहीं। सरकार को दिक्कत ना हो, कोई कोविड का मतलब इस हम गलत काम ना करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। किस नाम से है? ये बेड़िया फिल्म स्टूडियो के नाम से है ये स्टूडियो। कितने साल से स्टूडियो को चला रहा है? ये एक फ्लोर 3 साल से चल रहा है, और ये जो दूसरा फ्लोर जो बना है ये आज ही, मतलब आप समझ लीजिए ओपनिंग ही है इसकी। और स्टूडियो के साथ साथ क्या फैसिलिटी आपको दे सकते हैं? हमारे पास में जो शूट के लिए जितना सामान है, हमारे पास में पूरी टीम है, लाइट्स हुए, DOP हुए, कैमरा हुआ, किचन का सामान हुआ, कैटरर हुए, बॉयज़ हुए, हमारे पास में आप सिर्फ चेक लेकर आइए, हम आपको पूरी फिल्म बना के दे सकते हैं। पावर कितना आपके पास? हम मेरे पास में 50 kW तक का पावर सिर्फ है, और किसी स्टूडियो में आपको 50 kW का पावर मिलेगा नहीं। 50 kW तक आप लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय भाई, आबिद भाई, बॉलीवुड अड्डा, लव यू जी, लव यू, सबको लव यू। पहले जो शूटिंग्स वगैरह हुई तो कौन कौन से स्टार्स हैं बड़े जहां? बहुत से स्टार हैं, राखी आई है और सुदेश बेरी आए हैं, मुकेश भाई बताएंगे वो कौन है, क्या नाम उसका जो आपकी शूट, हाँ सब बहुत से लोग हैं, बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो आए हैं, आते रहते हैं,
और हमारा काम एक्टरों से मिलना होता ही नहीं है, हम क्योंकि शूट को डिस्टर्ब करते ही नहीं, हमारा कोई स्टाफ वहाँ तक जाता ही नहीं और हम जाने नहीं देते फ्लोर पर। कंपैरिजन किस तरह से कर रहे हैं आसपास जो स्टूडियो हैं ऑलरेडी, उससे किस तरह कंपेयर करते हैं? देखिए मेरे जितने नज़दीक स्टूडियो हैं बहुत छोटे स्टूडियो हैं, और फिर इसके बाद में अगर कोई स्टूडियोज़ हैं तो महबूब स्टूडियो हुआ, फिल्मिस्तान हुआ, ये हुआ, तो वह बहुत बड़े स्टूडियो हैं। जो मीडियम रेंज के स्टूडियोज़ मुंबई शहर में मिलना मुश्किल है, और भगवान की कृपा से, आप दोस्तों की कृपा से मेरे पास में दो ऐसे फ्लोर हैं, और जो बिजनेस, जो फिल्म बिजनेस हब है उसके बीच में है। कोई भी एक्टर लोखंडवाला से 5 मिनट में आ सकता है, जा सकता है, कोई भी सामान की व्यवस्था करनी है तो 5 मिनट में हो जाती है। तो मेरा कॉम्पिटिशन किसी से नहीं है, हम एकला चलोरे के नारे पर चलते हैं और बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू, लव यू, लव। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश बर्थवाल है और मैं संजय बिडिया जी के साथ स्टूडियो का मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ। ये स्टूडियो 3 साल पहले बना है और संजय बिडिया प्रोडक्शन हाउस एक कंप्लीट प्रोडक्शन हाउस है जिसमें हम अपनी पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं कि सिर्फ आप पैसे लेके आइए और आपको यहाँ पर कैमरा, लाइट, साउंड और बाकी सारा क्रू, यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। अंधेरी शहर में ये एक बहुत अच्छा स्टूडियो है जिसमें सारी चीज़ें इन हाउस हैं, बाकी और कहीं भी आप जाएंगे आपको सारी चीज़ें हायर करनी पड़ती हैं, जैसे कैमरा हो, लाइट हो, साउंड हो, यहाँ पर आपको इन हाउस सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी फैसिलिटी इस स्टूडियो की है कि ये ग्राउंड फ्लोर पर है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, वैनिटी वैन तक लग जाती है। स्टूडियो की हाइट 30 फीट है जिसकी वजह से कोई भी बड़े सेट लगाना वो बड़ा आसान होता है। TVC जैसे कि एड फिल्म वगैरह जो बनती हैं, एड फिल्मों के आजकल का जो ट्रेंड चला है कि लोग एड फिल्में जो बनाते हैं वो कहते हैं कि डिजिटल बन रही है सर, बजट नहीं है, तो उनके बजट के हिसाब से हमारा स्टूडियो है कि डिजिटल एड हम अपने बजट के हिसाब से आपको देते हैं और वो सारी फैसिलिटीज़ देते हैं जो आपको यशराज में या फिल्म सिटी में बाकी जगह पर मिलती है। यहाँ पर किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है और क्रोमा के लिए बहुत अच्छा फ्लोर है हमारा, यहाँ पर काफ़ी अच्छे बड़े बड़े क्रोमा शूट्स हुए हैं, हाल ही में बहुत सारे TVCs शूट हुए हैं। तो एक दिक्कत आती थी हमारे अंदर कि TVCs जब शूट होते थे तो वहाँ पर अलग से एक फ़ोटोशूट का फ्लोर होता था, तो यहाँ पर दिक्कत ये आती थी कि वहीं पे फ़ोटोशूट भी करना है और वहीं पे TVC भी शूट करना है, तो जगह थोड़ी कम पड़ती थी। तो वो हमने थोड़ा ध्यान में रखकर ये एक छोटा सा स्टूडियो ऊपर बनाया है जिसकी हाइट जो है 14 फीट है और 15x25 का ये फ्लोर है जिसमें आप फ़ोटोशूट्स कर सकते हैं और छोटे मोटे जो सिंगल कैरेक्टर के क्रोमा शूट होते हैं वो सारे आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक अलग आपको फ्लोर मिल जाता है कि आप हमारे बड़े फ्लोर पर मोशन शूट कर लीजिए और ऊपर के फ्लोर पे आप फ़ोटो शूट कर लीजिए। इसके अलावा VIP रूम है हमारे पास जो स्टूडियोज़ में, बाकी स्टूडियोज़ में नहीं होता है, वैनिटी जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमने एक छोटा सा VIP रूम बनाया हुआ है कि जहाँ पर आर्टिस्ट बहुत कंफर्टेबल रहता है। और जो हमारा छोटा फ्लोर है, ये छोटा फ्लोर हमने बजट को देख के भी बनाया है कि काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं जिनका बजट नहीं होता है, वो कम बजट में हमारे पास से निराश होकर चले जाते थे कि आपका फ्लोर तो बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ पर हम अपने बजट में उसको फिट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने ध्यान में रख के इस छोटे से फ्लोर को बनाया है ताकि क्लाइंट वापस ना जाए, उसको वो सारी सुविधाएँ हम इस छोटे फ्लोर में भी देंगे। ये नहीं है कि मतलब छोटा फ्लोर दे दें, इसमें हम अलग से उनको रूम देते हैं, उनको वॉशरूम की अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं। इसके अलावा हमारे पास इन हाउस जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत बार हम वो चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर उनको वो फैसिलिटीज़ दे देते हैं ताकि क्लाइंट वापस ना जाए। धन्यवाद। यहाँ पर काफ़ी शूट्स हुए हैं, अभी फ़िलहाल IDFC का एक शूट हुआ था,
और एक कृष्णा डायमंड ज्वेलरी का शूट हुआ था, और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के काफ़ी शूट होते हैं हमारे यहाँ क्रोमा में, और हाल ही में जो राखी सावंत का गाना था तेरे दिल में मेरी एंट्री, ये गाना यहीं पर शूट हुआ था, और गाना देखकर किसी को लगता नहीं कि इस जगह पे शूट हुआ है, इतनी बढ़िया फैसिलिटी हमने उनको प्रोवाइड की थी। और काफ़ी सारे आर्टिस्ट होते हैं जो हमारे स्टूडियो को रिकमेंड करते हैं, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, जो एक बार आते हैं वो वापस यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करते हैं। सर, हमारी अपील तो यही है कि जोगेश्वरी जैसे इलाके में और अंधेरी से लेके आप गोरेगांव तक जाएंगे तो कोई भी स्टूडियो इस तरह का नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ जाती है स्टूडियो में, बाकी वो चीज़ें ध्यान में रख के हमने इस स्टूडियो को बहुत अच्छे से सजाया है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ताकि आपको घर जैसा फील हो, आपको ऐसा ना लगे कि आप एक शूटिंग लोकेशन में आए, कहीं गंदगी मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो हमारा स्टाफ भी पूरा वैक्सीनेटेड है और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से काम करते हैं, हमारे यहाँ बढ़िया पैनेट्री है जिसमें हम लोगों को घर का खाना खिलाते हैं, कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि होटल से ना ऑर्डर करके हमारे पास वैसा स्टाफ है कि जो घर का खाना बनाकर खिला देते हैं।